Hello all, this is Sanvi शर्मा. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं लव रीडिंग करने जा रही हूँ जो कि स्कॉर्पियो यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए है. ये एक जनरलाइज रीडिंग है और नेक्स्ट 15 डेज के लिए ये रीडिंग है. ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट हो सकती है, हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कम्प्लीटली रेजोनेट हो, सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो. सो अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं. ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं. मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे. जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. सो लेट्स सी नेक्स्ट 15 डेज में स्कॉर्पियंस आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, किस तरह की लव लाइफ होगी आपकी अगले 15 दिनों में देखते हैं. ओके, आई विल टेक आउट 5 कार्ड्स. ओके, तो पहला कार्ड है आपके लिए ये, सेकेंड इज दिस, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. एंड बॉटम ऑफ द डेक पर है 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है. ओके, लेट्स सी विद दिस डेक ऑल्सो आपकी जो भी एनर्जी आएगी आपको उसे किस तरह से चैनलाइज करना है वो हमें इन कार्ड से पता लगेगा. तो पहला कार्ड है आपका द सेकेंड कार्ड इज दिस एंड योर थर्ड कार्ड इज दिस विद बॉटम ऑफ द डेक न्यू विजन का कार्ड है यहाँ. ओके, आई विल कीप दिस ओवर. तो ये कार्ड्स देखते हैं. पहले पेशेंस का कार्ड है यहाँ पर, पास्ट लाइफ का कार्ड है और लेजीनेस का कार्ड है. द अदर कार्ड ओवर हियर इज प्रिंस ऑफ विंटर, द चैरियट, द मैजिशियन, किंग ऑफ स्प्रिंग एंड द लवर्स. ओके, सो स्कॉर्पियंस जो नेक्स्ट 15 डेज में आपको अपनी लव लाइफ के रिगार्ड में जो भी डिसीजंस बनाने हैं उसके लिए आपको दिल का नहीं दिमाग का इस्तेमाल करने की जरूरत है. आपको बहुत क्विकली एक्ट करना होगा, बहुत ही क्विकली आपको डिसीजंस लेने होंगे. आपकी लव लाइफ के अंदर बहुत ही सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आने वाले हैं. अगर आपकी लव लाइफ बहुत ही ज्यादा कोल्ड चल रही है, मीन्स ब्रेकअप जैसी एनर्जीज हैं, या आपको उस तरह का रिजल्ट अपनी लाइफ में नहीं मिल रहा है जिस तरह का आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप दूसरे पर्सन से अपने इमोशंस को लेकर कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो वो अगले 15 दिनों में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा. आपकी लव लाइफ के अंदर आपको डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा अगर आप प्रैक्टिकली चलेंगे. अगर आप इमोशनली चलेंगे तो चीज़ें उस तरह से नहीं होंगी जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं. यहाँ पर जो चैरियट का कार्ड है, ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपको अपनी लव लाइफ में सक्सेस चाहिए तो आपको बैलेंस अटेन करना होगा. आप इमोशनली किसी इंसान के पीछे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पर नहीं लगा सकते हैं. आपको अगर सक्सेस चाहिए अपनी लव लाइफ के अंदर तो आपको बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है. आप अपने अकम्पलिशमेंट्स को, अपने सक्सेस को, अपने लव लाइफ की सक्सेस को अगले 15 दिनों में एंजॉय करने वाले हैं. आपका रिश्ता एक स्पॉटलाइट में आने वाला है. ओके, आपकी लव लाइफ के अंदर इतना मैजिकल चेंज आएगा, आपके पार्टनर के अंदर एक इतना मैजिकल चेंज आएगा जो आपने उनकी तरफ से कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा. ठीक है, चाहे आप ब्रेकअप की एनर्जीज में हैं, चाहे आप एक दूसरे के साथ रहते हुए भी एक अच्छे रिलेशनशिप में नहीं हैं, अगर आपका रिलेशनशिप ठीक ठीक चल रहा है तब भी आप दोनों के रिलेशनशिप में एक मैजिकल इफेक्ट आने वाला है. आप जो अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे थे इतने वक्त से, वो इफेक्ट आप अब देखेंगे. आपको ऐसा लगेगा कि अब आपको ज़िंदगी जीने में मज़ा आ रहा है. ठीक है, आपने जितनी भी मेहनत की है इस रिलेशनशिप के लिए वो मेहनत रंग लाएगी. अगर आपने कोई मैनिफेस्टेशन की है, कोई एफर्मेशंस ट्राई किए हैं, तो यहाँ पर उस चीज़ के रिजल्ट आने के चांसेस हैं अगले 15 दिनों में. स्कॉर्पियंस, आपकी लव लाइफ में कुछ अच्छा होने जा रहा है. यहां पर किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है.
आपके पार्टनर के अंदर एक बहुत ही अलग सा चेंज होने वाला है। आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा वाइस एक्ट करेंगे, उनके थॉट प्रोसेस में चेंजेस के यहाँ पर चांसेस नजर आ रहे हैं। और ये जो थॉट प्रोसेस चेंज होगा, ये अच्छी टर्म्स में चेंज हो रहा है, वो बहुत ही इनोवेटिव होंगे। उनके जो थॉट प्रोसेस है, पहले की तरह जो आप सोच रहे थे कि वो बहुत ही छोटी सोच रख रहे हैं, आपके पार्टनर छोटी छोटी बातों पर नाराज हो रहे हैं, वो एक वाइडर स्केल पर चीजों को सोचने वाले हैं। ठीक है, आपको लीडरशिप की अपने अंदर क्वालिटी इम्बाइब करके रखनी होगी। मैंने कहा आपको प्रैक्टिकली डिसीजंस लेने हैं, आप इमोशनल होकर डिसीजंस नहीं लेंगे। ठीक है, आपके इस लव लाइफ को एक अनएक्सपेक्टेड सी सपोर्ट मिलने वाली है। आपके पार्टनर के चेंज होने के पीछे किसी का हाथ होगा और वो आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है, वो नेगेटिव पॉइंट नहीं है। आपके पार्टनर अब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर रिलेशनशिप स्टार्ट करने वाले हैं। आपके पार्टनर के अंदर एक चेंज है और वो चेंज एक अच्छा चेंज है। ठीक है, उस चेंज की वजह से आपके पार्टनर के अंदर जितनी भी ईगोइस्टिक एनर्जीज हैं वो यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। एक चीज और है, यहाँ पर चॉइस करने की सिचुएशन भी आएगी। आपके पार्टनर को एक फाइनल चॉइस बनानी होगी कि वो आपको इस रिलेशनशिप में क्या देने वाले हैं। ठीक है, और आप दोनों के रिलेशनशिप में एक डिविनिटी, जो भी आपने ईश्वर से कनेक्ट होकर इस रिलेशनशिप के बारे में जो भी मांगा है, वो सब कुछ यहाँ पर सक्सेसफुली आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर टेन ऑफ ऑटम का कार्ड है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के साथ अबंडेंस की एनर्जीज को एंजॉय करेंगे अगले 15 दिन में। आपको पहले अपने पार्टनर से इतनी सिक्योरिटी फील नहीं होगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली चलते जाएंगे तो थोड़े टाइम के बाद आपको ये फील होगा कि आपके पार्टनर के अंदर एक कुछ इस तरह के बदलाव आए हैं, जिसकी वजह से आप ये चीज सोच सकते हैं कि आपके पार्टनर एक फैमिली मैन है, या वो आपके ट्रेडिशंस को फॉलो करने के लिए तैयार है, या आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो आपकी सोच को फॉलो करने के लिए तैयार है। ये धीरे धीरे एस्टैब्लिश होगा, लेकिन इन 15 दिनों में एस्टैब्लिश जरूर होगा। ठीक है, तो अब मोड कैसे आपने इस चीज को टैकल करना है, एक तो पेशेंटली आपको काम लेना है। ठीक है, आपके पार्टनर के बदलते हुए नजरिए को आपको शक की निगाह से नहीं देखना है, पेशेंटली चीजों के बारे में सोचना है, पेशेंस से चलना है। ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होगा, आपके मूड स्विंग्स होने के यहाँ पर ज्यादा चांसेस है। कभी आपको आपके पार्टनर के ऊपर शक होगा, कभी आप ये चीजें सोचेंगे कि नहीं, आपके पार्टनर पहले ऐसे थे, अब इतनी जल्दी चेंजेस कैसे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पास्ट लाइफ का भी कार्ड है। आपके पार्टनर ने जो कुछ भी आपके साथ किया है इन पास्ट, आप उन चीजों से अपने पार्टनर को कंपेयर करने लगेंगे, उनकी एनर्जीज को कंपेयर करने लगेंगे, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप ये कंपैरिजन रखते हैं तो उससे क्या होगा कि आप दोनों के बीच में वो अंडरस्टैंडिंग का लेवल उस टाइप का नहीं बन पाएगा। तो अगर आप ये जो कंपैरिजन की एनर्जी है इसको अवॉइड करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। और यहाँ पर लेजीनेस का कार्ड है। आपको ऐसा लगेगा, आप काफी पैशनेट रहने वाले हैं, आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर के अंदर ना पैशन की कमी हो गई है, वो बहुत लेजी हैं, वो एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, आपको ये सारी चीजें फील होंगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपके पार्टनर बड़े सोच समझ के एक्शंस लेने वाले हैं। ये एक ड्रास्टिक चेंज है आपकी लव लाइफ के अंदर, अगले 15 दिनों में बहुत ही अलग सा चेंज है। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस के लेवल को उतना हायर मत रखिए, लेकिन यहाँ पर प्रोग्रेस के चांसेस बहुत अच्छी तरह से बने हुए हैं। यहाँ पर न्यू विजन का कार्ड है। आपको अपने पार्टनर को लेकर जो भी आपने विजन बनाई हुई है, इस विजन को चेंज करना होगा। आपको अपने पार्टनर के बारे में पॉजिटिव सोचने की जरूरत है। अगर आप ही अपने पार्टनर के बारे में नेगेटिव सोचते जाएंगे तो वो जिस तरह से ट्रांसफॉर्म होकर आपके लिए आ रहे हैं, वो उस तरह से आप तक अपनी बातों को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, तो इससे आपके रिश्ते में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सो आई होप स्कॉर्पियंस आपके लिए बहुत ही अच्छे ये अगले 15 दिन हो, बिकॉज यहाँ लव लाइफ के लिए एनर्जीज बहुत अच्छी निकल कर आई हैं। आई होप स्कॉर्पियंस आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपनी लव लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, अपने रिलेशनशिप के बारे में क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन
सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।